ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष घटनाएं होती है, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पुष्य नक्षत्र या कुछ विशेष व्रत या त्योहार। उसमें कुछ ऐसे काम है जिनको करके या कुछ ऐसे काम है जिनको नहीं करके कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को चमका सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है। और ऐसे ही आ रहा है साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण। जी हाँ मित्रों, जानेंगे आखिर दूसरा सूर्य ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ही साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के बाद पांच राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत, जिनके भविष्य के दरवाजे एकदम से चमकने जा रही है, सूर्य की भांति ही उनकी किस्मत में भाग्य का उदय होने जा रहा है। तो कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, इस साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 यानी कि शनिवार के दिन लगने जा रहा है। और इस बार सबसे खास क्या बन रहा है कि दोस्तों, भगवान शनिदेव के दिन यानी कि शनिवार के दिन यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, और यह अमावस्या तिथि के दिन लग रहा है, और यह कंकणाकृत सूर्य ग्रहण होगा। खुद नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान हो चुके हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण के इस अद्भुत मौके पर ऐसा महासंयोग किस कारण से बन रहा है। साल 2023 का सबसे अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन शाम को 8:34 से शुरू होगा, जो कि रात को 2:25 तक रहेगा। और पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण अश्विनी महीने की अमावस्या तिथि के दिन लगेगा, और इस दिन शनि अमावस्या व्रत भी रखा जाएगा। शनि अमावस्या इसी दिन है, और दोस्तों शनिदेव के जो पिताश्री है ना, वो भी भगवान सूर्यदेव ही है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत इस सूर्य ग्रहण का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं ये सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ पर होगा। तो दोस्तों, ये जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है ना, ये भारत सहित मुख्यतः मेक्सिको, क्यूबा, बारडोसा, एंटीगुआ, चिली, डोमिनिका, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, पेराग्वे, कोलंबिया के साथ ही एशिया और अफ्रीका के कई देशों में देखने को मिलेगा। चलिए जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार सूर्य ग्रहण जैसे इस पवित्र दिन को, जब शनि अमावस्या भी मिल रही है ना, भगवान शनिदेव के इस पवित्र दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमा कर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 15 गौ माता को भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी और न्याय के देवता भगवान शनिदेव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों कि सूर्य ग्रहण वाले दिन आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पांच ऐसे काम है जिनको भूल कर भी ग्रहण वाले दिन नहीं करें, नहीं तो ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा और कभी भी जीवन में आप गरीबी से बाहर नहीं निकल पाओगे।
आप सभी को पता होगा कि ग्रहण के लगभग 10 या 12 घंटे पहले से ही सूत काल शुरू हो जाता है और सूत काल से ही सूर्य ग्रहण के नियम भी शुरू हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय मानसिक जप और तप करना चाहिए। आप भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं, सूर्याष्टक स्रोत और आदित्य हृदय स्रोत आदि स्रोतों का भी पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, तेल या घी में पका हुआ भोजन, दूध, लस्सी, तेल, घी, चटनी, मुरब्बा, अचार, पनीर और मक्खन आदि चीजों में तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। यानी कि भोजन सामग्री जो भी आपके घर में बच रही है ना, सूखी भोजन सामग्री को छोड़कर उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें, ताकि ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपकी भोजन सामग्री पर नहीं पड़े। उसके अलावा ग्रहण के समय पूजा पाठ करना शास्त्र में वर्जित बताया गया है, लेकिन आप मंत्र का जप और पाठ मन में कर सकते हैं, जिससे ग्रहण का प्रभाव जो है वो कुछ कम हो सके। उसके अलावा ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और साथ ही काटना, बुनना, सोना या सिलना भी नहीं चाहिए। उनको ईश्वर का जप करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान बालों में कंघी नहीं करें, सिर में तेल नहीं लगाएं, महिलाएं सिलाई कटाई वगैरह भी नहीं करें। उसके अलावा ग्रहण काल के दौरान सोना भी नहीं चाहिए और भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है कि भूल कर भी ग्रहण काल के दौरान सूत काल लगते ही पति पत्नी या लड़का लड़की जो कोई भी हो उनको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है ना वो आपके ऊपर पड़ेगा। चलिए ग्रहण काल के दौरान क्या क्या करना चाहिए, तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर कीजिए, पहली बात तो ये। दूसरा, ग्रहण खत्म होते ही नहा धोकर तैयार हो जाएं और एक बार घर की साफ सफाई कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगरबत्ती कीजिए, दीपक वगैरह लगाइए। अगर आप ये सब कुछ करोगे ना, तो ग्रहण का जो उचित प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा और आपका भाग्य उदय होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों कि ग्रहण काल के बाद कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने जा रही है। भगवान सूर्य देव और दोस्तों न्याय के देवता भगवान शनिदेव का विशेष रूप से उनको आशीर्वाद रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी व्यापार दोनों में ही कब तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए लाभदायक रहता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या बिजनेस में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, अगर कुछ भी समस्या है तो दोस्तों स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने भविष्य कुंडली के बारे में संपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और पूरे जीवन के बारे में जो भी समस्या है उसका आप समाधान लिखित में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सूर्य ग्रहण के बाद पहली जो भाग्यशाली राशि रहने वाली है ना, वो बनती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। दोस्तों इस साल 2023 का दूसरा यानी कि जो आखिरी सूर्य ग्रहण है वो वृषभ राशि वालों का भाग्य उदय लेकर आ रहा है। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आत्मविश्वास भरपूर बना रहेगा, आप अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों की अधिकता रहेगी, किसी मित्र के सहयोग से आपको नौकरी में तरक्की मिल सकती है, वाणी में सौम्यता रहेगी, किसी भी पैतृक संपत्ति से धन लाभ हो सकता है और संतान को स्वास्थ्य विकार की समस्या बन सकती है, लंबी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। जिनकी भी वृषभ राशि है ना, वो अगर किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी ये तलाश पूर्ण होगी और मित्रों इस साल करियर में आपको जबरदस्त रूप से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर
वृषभ राशि वाले अपना स्वयं का कोई भी व्यापार करते हैं ना, तो व्यापार में आपको देव गुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत ही अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, ऑफिस के लोगों से सहयोग प्राप्त होंगे। जो लोग बेरोजगार है ना, उनको रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। और जिनकी भी वृषभ राशि है ना, उनके ऊपर अगर कर्ज उड़का है ना, तो भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको कर्ज में सुधार देखने को मिलेगा और इस साल आप अपने कर्ज से काफी ज्यादा हल्के भी हो पाओगे। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी, वो बनती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मु मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों भगवान सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की ही कृपा से सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये जो दूसरा सूर्य ग्रहण है ना, वो बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। अक्टूबर के बाद जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने के शुभ योग मिल रहे हैं। नौकरी के विषय में विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम की या किसी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेज कई गुना बढ़ गए हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से इस साल आप अपने व्यापार में भी बहुत ही अच्छी तरक्की कर पाओगे। चलिए जान लेते हैं अगली और तीसरी जो अंतिम भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों भगवान सूर्यदेव की कृपा से मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर के बाद ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है ना, ये समय के बाद से ही मित्रों समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देव गुरु बृहस्पति और सूर्यदेव दोनों ही आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ दिलाएंगे। जो व्यापारी है, स्वयं का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आने वाले समय में करियर में आपको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे। जो व्यक्ति अविवाहित है या कुंवारे हैं, उनको विवाह का प्रस्ताव भी मिल सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों